हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केवीज किचन। उम्मीद है आप हमारी बनाई हुई डिशेस पसंद कर रहे होंगे और आप अपने चैनल केवीज किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आप उस बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप हमको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी की डिटेल्स स्क्रीन पे मौजूद है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप सुबह सुबह लखनऊ के पुराने इलाके में जाएँ, जैसे चौक, नक्काश, मौलवीगंज, यायागंज वगैरह, तो आप देखेंगे कि वहाँ लाइन से खोमचे वाले लगे रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और उनके सामने लाइन लगी रहती है और वो पतीले में से निकाल निकाल करके एक एक बाउल में और कुछ रोटियों के साथ में लोग उसको खरीदते रहते हैं। और जो एक माहौल रहता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशबूदार माहौल रहता है, बहुत ही अच्छी लजीज डिश वो वहाँ पे बेच रहे होते हैं, और वो होती है नल्ली निहारी। बड़ी नवाबी डिश है, बहुत ही एहतराम से, बहुत आराम से बनाई जाती है वो डिश। सुबह सुबह 2-3 बजे से बेचारे वो लोग जाते हैं बनाने के लिए और 7-8 बजे तक 4-5 घंटे में वो बनती है नल्ली निहारी। तो उसका तो अपने पास में आज का टाइम होता नहीं है, तो हम उसी नल्ली निहारी को बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बहुत ही बढ़िया स्टू टाइप की ये डिश बनती है। ये देखिए, ये हमने उसके लिए ये करीब 400 ग्राम मीट लिया हुआ, मटन लिया हुआ, जिसमें ज़्यादातर नलियाँ हैं, और ये अदरक और ये धनिया तो हमारी गार्निशिंग में काम आएंगे, और बाकी ये मसाले, दही ली हुई है, गार्लिक का पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है। इस दही में हम 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 स्पून धनिया और 1 स्पून हल्दी मिला देते हैं, जैसे कि ये जब मसाले में डालेंगे तो वो मसाला जलेगा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला निहारी मसाला है, जो कि ये हमने रेडीमेड यूज़ किया है निहारी मसाला, लेकिन जो ओरिजिनल जो लोग बनाने वाले होते हैं निहारी मसाले के, वहाँ पे जो चौक में या नखास में जो निहारी मिलती है, वो बहुत ही स्पेसिफिक मसाला होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, पान की जड़ भी होती है और पीपली होती है और खसखस होती है। विदाउट गोइंग इनटू दैट, हम तो नॉर्मल एक जो रेडीमेड निहारी का मसाला है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और ये 2 टी स्पून आटा है, ये आटा उसमें हम जब फाइनली ये बन जाएगा तो उसको हम इसमें मिला करके और इसको हम पकाएंगे, तो एक लसलसा सा जो एक लसलसा सा एक टेक्सचर आता है निहारी का स्पेशल, वो इसमें आएगा। तो इसमें हम डालते हैं 3 टीस्पून निहारी का मसाला, पानी डाल देंगे इसमें, वो अच्छे से इसको हम कर देंगे, जिससे कि ये लंप फॉर्मेशन नहीं हो। जैसा कि हमने बताया था, निहारी में नॉर्मली 4-5 घंटे लगते हैं, उसको स्ट्यू किया जाता है, लेकिन हम उसको जल्दी वाला बना रहे हैं, तो हमने 2 गैस पे, एक गैस पे हम ये कुकर ऑन कर दे रहे हैं और एक गैस पे हम नॉर्मल एक पैन ले लिया है, और इसको हम दोनों साथ साथ बनाएंगे, मसाले एक साथ भूनेंगे और मटन अलग से भूनेंगे और बाद में उन दोनों को कंबाइन करेंगे। ये गैस ऑन करके कुकर में हम ये 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। आप कोई सा भी नॉर्मल ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन निहारी का असली मज़ा मस्टर्ड ऑयल में होता है। सिमिलरली हम इस पैन में भी करीब 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं और इसको गर्म करते हैं। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम प्रेशर कुकर में डालते हैं ये मटन। इसको हम तेज आंच पे ही करीब 4-5 मिनट इसको अच्छे से सौते कर लेंगे, इसको बढ़िया सा ब्राउन कर लेंगे। और इस पैन में भी गरम ऑयल में हम ये अपने प्याज डाल देते हैं, इनको भी हम अच्छे से ब्राउन कर देते हैं। हमारा मटन ब्राउन हो गया है, इसमें हम जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट डाल करके इसको हम 1-2 मिनट के लिए इसको सॉटे कर देते हैं, जिससे इसकी एक रॉनेस ख़त्म हो जाए। प्याज भी हमारे तैयार हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ये दही का मिक्सचर, दही और जो मसाले थे उनका मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं।
और इसको हम थोड़ा सा एक 10 मिनट ढक करके इसको बस मसाले को भूनते हैं। बस ये हमारा मसाला भून गया है, अब इस मसाले को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रेशर कुकर में और इसको हम अच्छे से मिला करके एक 5 मिनट हल्की आंच पे और भूनते हैं। अभी देखिए इसने तेल छोड़ दिया है मसाले में, मटन भी अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से भुन गया है। अब इसमें हम 2 से 2.5 कप पानी हम इसमें डाल दिया है और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। जब इसमें इसकी प्रेशर कुकर की सीटी आ जाएगी तो हम सिम करके और 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। अब हम इसमें आटा और निहारी मसाले का मिक्सचर जो था उसको हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से इसको हम चलाते जाएंगे जिससे कि कोई भी लम्स फॉर्म नहीं हो। और हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। 2 टीस्पून घी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाने दें, उसमें 1 टीस्पून डालेंगे निहारी मसाला, ये थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च, बस इसको इसमें तड़का लगा देंगे। ये नल्ली निहारी तैयार हो गई। देखिए जो 5 घंटे में बनती है वो हमने इसको 1 घंटे में बनाया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी और गोश्त भी इसका बिल्कुल बढ़िया से गल गया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया निहारी बनी है, बहुत ही बढ़िया इसके स्पाइसेस हैं, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। तो आप भी ज़रूर बनाइए नल्ली निहारी को और अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको ये कैसे लगे। थैंक यू।